भारतीय इंतखाबात में मोदी क्यों बुरी शिकस्त से दोचार हुआ? क्या अब भी बीजेपी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी? भारतीय जनता पार्टी हुकूमत साजी से कितनी पीछे है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। यूपी यानी उत्तर प्रदेश भारत की शिमाली रियासत, जहां से पार्लियामेंट में कानून साजों की सबसे बड़ी अक्सरियत मुंतखब होती है। रियासत के 543 के ऐवान में यहां से मुंतखब होने वाले 80 अरकान अक्सर कौमी हुकूमत बनाने या तोड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं। 2014 और 2019 के इंतखाबात में इन्हीं अरकान ने भारतीय जनता पार्टी की किस्मत का भी फैसला किया था। नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी ने 2 इंतखाबात में यहां से 71 और 62 नशिस्तें हासिल की, मगर इस बार नरेंद्र मोदी की पार्टी के उम्मीदवारों को शर्मनाक शिकस्त से दोचार होना पड़ा। फैजाबाद के हलके से सीनियर लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उदेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से शिकस्त दी। भारतीय जनता पार्टी की अहम रुकन और गुज़िश्ता इंतखाबात में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को इस बार अमेठी में कांग्रेस के मध्य मुकाबिल उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के मुकाबले में 3,72,000 वोटों से शिकस्त हुई। उधर हैदराबाद दक्कन में मुसलमानों के खिलाफ हर्जसराई और मसाजिद पर अलामती तीर चलाने वाली इंतहा पसंद माधुरी लट्ठा को असदुद्दीन ओवैसी ने 3,30,000 से जायद वोटों के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। भारत में लोकसभा की 543 नशिस्तों के लिए इंतखाबात का आगाज 19 अप्रैल से हुआ। यकम जून तक 7 मराहिल में तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। इंतखाबात के दौरान 97 करोड़ से जायद अफराद ने वोट कास्ट किया। तकरीबन 2 माह बाद जब 4 जून को राय शुमारी के 7 मराहिल के बाद नतीजे का ऐलान किया गया, तो यूपी और हिंदुस्तान में क्लीन स्वीप का दावा करने वाली बीजेपी को हैरानकुन नतीजे का सामना हुआ। मोदी की पार्टी की इस शर्मनाक शिकस्त पर मुबस्सिरीन का ख्याल है कि बेरोजगारी, महंगाई, जात पात की नामुनासिब दर्जाबंदी और पसमानदा कम्युनिटीज की हकतलफी के अलावा सबसे बड़ा किरदार नाराज मुसलमान वोटरों ने अदा किया। मोदी सरकार का अकलियतों और खुसूसन मुसलमानों से रवा रखा जाने वाला रवैया और तरह तरह के बिल पास करके इनकी जिंदगी अजीरन बनाने पर आवाम ने वोट के जरिए अपने गम गुस्से का इजहार किया। 1992 में बीजेपी ने एक मुहिम की क्यादत की थी, जिसका अख्तितम 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और मंदिर की तामीर पर हुआ, जिसका अफ्ताह रवा साल जनवरी में किया गया। मोदी दौरे हुकूमत में मुसलमानों की इमलाक और मुकद्दस मकामात को न सिर्फ निशाना बनाया गया, बल्कि शहरियत के हवाले से भी मुख्तलिफ कवानीन वजा किए गए। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगरचे पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज बयानात और इन तमाम उमूर को इंतखाबी मुहिम के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताहम तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गईं और बीजेपी न सिर्फ सादा अक्सरियत से महरूम रही बल्कि इसने मुतअद्दिद अहम सीटें गंवा दी। बीजेपी हुकूमत साजी के मतलूबा 272 नशिस्तों से काफी पीछे रह गई है, जिसे 240 नशिस्तें मिली हैं। अपोजिशन के महाज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को मजमुई तौर पर 234 और कांग्रेस को 99 नशिस्तें हासिल हुई हैं और अब बीजेपी हुकूमत साजी के लिए इत्तिहादियों के रहमो करम पर है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर वजीर आजम बन भी जाते हैं, तब भी वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।